किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर चीज का समय तय है, हर जगह तय है, आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं, पहुंचाए जाते हैं, क्योंकि खेल आप नहीं रहे हैं, खेल तो वो रहा है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कथा सुनाता हूं भगवान श्री कृष्ण जी की। एक बार नारद जी आए और महल में रुक्मणी जी से मिले और आकर के उन्हें कहने लगे कि भगवान जी का जो विशेष प्रेम है वो गोपियों से है, वो आप लोगों से नहीं है। यहाँ महल में वो किसी से इतना प्रेम नहीं करते जितना वो गोपियों से करते हैं। इस बात से रुक्मणी जी नाराज़ हो गई और रूठ करके कोप भवन में चली गई। उनको लगा कि प्रभु आएंगे मनाने के लिए। भगवान जी को जब ये बात मालूम चली तो उनको लगा कि अब मैं सबको बताता हूँ कि क्यों मैं गोपियों से विशेष प्रेम करता हूँ, विशेष भाव रखता हूँ। उन्होंने एक नाटक किया। उन्होंने कहा कि मेरा सिरदर्द हो रहा है और सिरदर्द इतना तेज़ हो रहा है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। वो जो था वहाँ पर महल, उसमें विश्राम करने लगे अपने महल में और पूरे महल में ये बात फैल गई कि भगवान जी पीड़ा में, भगवान जी पीड़ा में। ये बात नारद जी तक पहुंची, वो भी दौड़े चले आए। रुक्मणी जी तक पहुंची तो वो कोप भवन छोड़ करके पहले प्रभु के पास आई कि क्या हो गया। भगवान जी बहुत पीड़ा में थे, बहुत तेज सिरदर्द उन्हें हो रहा था। नारद जी ने कहा प्रभु क्या किया जाए। इसी बीच में सत्यभामा जी जो रानी थी वो भी आ गई। सब परेशान हो रही थी, पूछ रही थी क्या किया जाए। वैद्यों को बुलाया गया, उपचार करवाया गया, लेकिन सिरदर्द ठीक नहीं हो रहा था। भगवान जी ने कहा कि किसी और अच्छे वैद्य को बुला लीजिए, इलाज करवाइए, बहुत पीड़ा में हूँ। बड़े से बड़े वैद्य आ गए लेकिन सिरदर्द ठीक नहीं हो रहा। तो नारद जी गए जाकर के प्रभु के पास, उनको प्रणाम करके कहने लगे कि प्रभु मुझे तो बता दीजिए कि सिरदर्द ठीक कैसे होगा, क्योंकि आपको तो सब पता है, आप इतनी पीड़ा में, इतने दर्द में हैं, मुझसे दर्द देखा नहीं जा रहा। तो भगवान जी ने कहा इसका उपाय बहुत आसान है लेकिन लगता नहीं कि कोई मानेगा। तो नारद जी ने पूछा कि बताइए, ये काम मैं खुद कर दूंगा, अगर कोई नहीं करेगा तो मैं स्वयं करूंगा। भगवान जी ने कहा मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द है, और इस दर्द का सिर्फ एक जो है वो उपाय है कि कोई भी जो मुझसे विशेष प्रेम करता हो अपने चरणों की धूली दे दे, अपने चरणों की धूल दे दे, मिट्टी दे दे, उसे कपड़े में बांध करके, पट्टी बना करके सिर पर बांध लूंगा, तुरंत सिर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी कहने लगे प्रभु ये कैसा काम बता दिया, मैं तो ये काम नहीं कर सकता, मेरे चरणों की धूली आपके सिर तक पहुंच जाए ये हो ही नहीं सकता। तो प्रभु ने कहा किसी और से पूछ लो। नारद जी गए रुक्मणी जी के पास जाकर के बताया कि उपाय बताया भगवान जी ने। रुक्मणी जी कहने लगी कि आप क्या कह रहे हैं, मुझे नरक भेजेंगे, मेरे चरणों की धूल जो है भगवान के मस्तिष्क तक पहुंच जाए, मस्तक तक पहुंच जाए, होने नहीं दूंगी। सत्यभामा जी के पास गए, उन्होंने कहा नहीं, और रोने लगी कि ये क्या बता रहे हो आप। नारद जी फिर दौड़े चले आए, कहने लगे भगवान कोई मानने को तैयार नहीं है। भगवान जी ने कहा तुम तो वृंदावन चले जाओ, गोपियों को कहना कि मैं दर्द में हूं, सिर दर्द हो रहा है और ठीक इसी तरीके से होगा, और कोई उपाय नहीं है। बिना देरी के वृंदावन पहुंचे नारद जी। वहां राधा जी, बाकी गोपियां जो थीं विरह में थीं, उदास थीं। जब नारद जी आए, नारद जी से पूछा कि कैसे हैं प्रभु जी, उनके बारे में जानना चाहते, उन्होंने कहा पीड़ा में है, सिरदर्द हो रहा है, बहुत अत्यधिक जो है पीड़ा हो रही है, और उसका उपाय यह है कि कोई जो उनसे विशेष प्रेम करता है अपने चरणों की धूली दे दे। बिना देरी के वहां कपड़ा बिछाया गोपियों ने, राधा जी ने, सब नृत्य करने लगी और जो धूल मिट्टी उड़ करके उस कपड़े में आ गई इकट्ठी करके दे दी कि जाइए जाकर के कपड़ा बांध दीजिए। और बिना देरी के नारद जी फिर वहां से निकले और पहुंच गए द्वारका, जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी थे। जाकर के वो जो कपड़ा था उनके सिर पर बांधा गया और कुछ ही क्षणों में उनका सिर दर्द ठीक हो गया। भगवान जी ने उस दिन सबको बताया कि क्यों वो गोपियों से अत्यधिक प्रेम रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो निश्चल भाव रखती हैं, निश्चल प्रेम करती हैं, कोई छल कपट नहीं है। वो ये भी नहीं सोचती कि कोई कितना मुझसे प्रेम करता है, वो अपनी ओर से भक्ति करती हैं, सरलता है उनकी भक्ति में, इसीलिए मेरा उन पर विशेष स्नेह है। उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि उन्हें नरक मिल जाएगा, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि प्रभु जो हैं पीड़ा में हैं, उनकी पीड़ा ठीक हो जाए। बहुत छोटी सी कथा जो जन्माष्टमी पर यही सीख देती है कि जीवन में भक्ति करनी है तो सरलता के साथ कीजिए, संपूर्ण विश्वास उन पर रखिए, जो आप चाहते हैं जीवन में आपको अवश्य मिलेगा। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, मैंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है www.rjkartik.in, जहाँ पर कुछ कोर्सेज मैंने लॉन्च किए हैं। अगर आप स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए कोर्स है। और अगर आप पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, सक्सेस को मास्टर करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए कोर्स है। जाइएगा, देखिएगा, आपका प्यार यूं ही बना रहे।